मैं फार्मर द जर्नलिस्ट से मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से अनुभव दुबे। हाँ भैया, आप अपना नाम बताइए। विजय बहादुर। विजय बहादुर, गांव का नाम क्या है भैया? गांव का नाम केहुनिया। केहुनिया। ये आपकी यहाँ पे जमीन कितनी है भैया? 3 बीघा। 3 बीघा। कितना सरसों से आपको आमदनी हो जाती है? खेती सरसों को महाराज हम पहली बार किए। अच्छा, पहली बार किए हैं। एकर अनुभव हमको मालूम नहीं रहा। कैसे इसको लगाए हैं, कैसे माने इसकी बुआई वुआई किए हैं? बुआई जैसे सरसों को था। नहीं, मैंने जुताई क्या किए, खाद कितना दिए, पानी कब दिए, कई कौन सा बीज लाए, ये हमारा कहने का मतलब। कब इसकी कौन महीने में बुआई कराए हैं आप? बुआई हम कराए हैं पुआर में। अच्छा, पुआर उतर। कहाँ से बीज लाए? बीज तो हम लोग लाए हैं लहंगपुर से। और खाद इसमें क्या क्या दिए? खाद दिए है डीएपी। डीएपी दिए हैं। आपको क्या लगता है, गेहूं से ज़्यादा लाभ इसमें है कि गेहूं की बुआई करने पर लाभ होता? अब ऐसा बा ना, हाँ, कि गेहूं तो बोत रहे लेकिन अब की पारी हम सरसों बोए, हम कहा देखिए अगर गेहूं में प्रॉफिट होता है सरसों में। अच्छा, माने ये असमंजस की स्थिति में आपने किया। हाँ, अच्छा, एकरे बाद पहला चांस से सरसों यहाँ बोआ, भराई किया, खादी दिया, मतलब एकर जितना व्यवस्था होता एकर व्यवस्था पूरा दिए है हम, ये कमी नहीं किए है, और इससे अच्छा आगे बा, इससे ज्यादा अच्छा आगे। हाँ, आगे फिर चल देख ले, इससे अच्छा भी ज्यादा। आप किसान हैं, आपको क्या लगता है कि गेहूं में लागत ज्यादा आती है? सरसों में तो एक बार ही आपने जुताई कराया और पौधा बीज डाल दिया, फिर तो आपको न थ्रेसर का खर्चा है, न सिंचाई का खर्चा है, न बार बार खाद का खर्चा है। गेहूं आपका 20-22 रुपया किलो बिकता है। 40 रुपया खरीद के गेहूँ बुआन ब घरे। नहीं, नया बीज तो आप 40 रुपये का या 100 रुपये खरीदे, गेहूँ आपके खेत में पैदा हो जाए तो कई रुपया किलो आप बेचते? कोनो बात ही नहीं बा। कई रुपया किलो? 20 रुपया 19 रुपया 18 रुपया 18 रुपया। लेकिन सरसों अगर आपको पैदा हो जाए तो कई रुपया किलो जाए भाई? सरसों को बात ही लग, कितना जाए बताए? अब भाई अब सरसों का वैसे हम कितना बताए, 60 रुपया से नीचे तो जाते हैं। 50 से नीचे जाबे नहीं करे ना, 60 जाए अगर तो 50 खाले तो जाने नहीं। 20 रुपया वाला चीज और 50 रुपया वाले चीज में फायदा ना इसमें? 20 रुपया वाला चीज आपका लागत ज्यादा लेता। हाँ। अब 50 रुपया वाला आपका लागत भी कम लेता। हाँ। तो आपके क्या लगता कि ज्यादा फायदा है हमन बाटी को हमन? यही कोजा से हम ये सब खेती किया, यही से किया। हाँ, यही से किया। आज से आप जान लीजिए कि किसान को दलहन और तिलहन की खेती अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, और दलहन तिलहन की खेती से ही उसका भला होने वाला है। गेहूँ धान का क्षेत्रफल घटा दीजिए, करिए खेती, लेकिन आप अगर रोजगार के दृष्टि से काम खेती करेंगे कि हमें आमदनी हो, तो आपको दलहन और तिलहन की तरफ बढ़ना होगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये भाई साहब के भाई साहब अभी थे, उनसे अभी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया ये बरूला 98 करके कोई एक बीएचयू की नई वैरायटी है, उसी को लाए हैं। ये पूरा सरसों की खेती इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है, जिसमें मिट्टी को माइक्रो न्यूट्रिएंट इन्होंने दिया है और जुताई करा करके ये पूरा। इनके सभी कितने भाई हैं आप लोग? दो भाई। इनके सब दोनों भाई ये लोग मिल करके इस खेत को पूरा खेती को किए हैं। इनका घर इस साइड में है, इनके भाई साहब का मकान उस साइड में है। मैं फार्मर द जर्नलिस्ट से मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से अनुभव दुबे। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें।